उतारनी है तो अपने पक्ष में फैसले लेने पड़ेंगे, और जब तक आप अपने बीच के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाओगे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी मौत से भी रिश्ता नहीं रखते, तुम उनको काहे को अपना मान रहे हो? इस देश में गवाही है, लोग तो वोट लेके कहते हैं कि मैं आपके काम करूंगा। मैंने आज तक पिछले 10 साल में एक एक दिन देश में कहीं ना कहीं काम किया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें उससे क्या मतलब, वो तो गरीब का बेटा है। तो ये बताओ, क्या गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब के बेटे आगे नहीं बढ़ सकते? पास कहीं एक गाड़ी बराबर से गुजरी, उसमें से एक कुत्ता जो है ऐसे मुंह बाहर निकाल रखा था। मैंने कहा गाड़ी आगे करो, कह रहा क्या बात है, मैंने दिखाऊंगा गरीब अमीर में क्या फर्क। मैंने कहा देखो ये अमीर का कुत्ता है, ये गाड़ी में घूम रहा है, और मैं लिख के देता हूँ कि इस देश के 90% लोगों पे 4 पहियों की गाड़ी नहीं है, आप जाके देख लो। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि चक्कर में मत पड़ो, इनका कुछ नहीं जाता, ये भाग भूग जाएंगे पैसे वाले सब लोग देश छोड़ के। ये लड़ाई तो आपके चंद्रशेखर आजाद को लड़नी है यहाँ जमीन पे खड़े होके, और कीमत चुकानी पड़ती है सर। मैं आपका खून हूं, जब मेरे ऊपर गोली चली मेरा खून बहा, आपको तकलीफ हुई है नहीं हुई बताओ? आपका आदमी खड़े होके उसमें बोलेगा पार्लियामेंट में, उस दिन आप सुनना कि आपके क्षेत्रों के लिए वो क्या क्या मांग करता है। ज्योतिबा फूले, जिनको अगर आप जानना चाहो तो आज के जो सैनी समाज के लोग हैं, जो मौर्य समाज के लोग हैं, जो कुशवा समाज के लोग हैं, जो शाक्य समाज के लोग हैं, वो उसी कुल से आते थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन उस समय देश में जाति व्यवस्था बहुत थी, संविधान नहीं आया था। तो वो अपने एक मित्र की शादी में चले गए तो उन्होंने दूसरे लोगों ने उनको अपमानित करा, बेइज्जत करके भगा दिया। वो चले आए, वहां एक नदी बहती है पुणे में, उस नदी पे आके बैठ गए। पूरा दिन हो गया बैठे, रात हो गई, रात गुजर गई, अगले दिन सुबह का समय हुआ, जो सफाई का काम करती थी वो 2 महिलाएं वहां पहुंच गई अपने सफाई वाले औजार धोने के लिए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े उद्योगपति बैठे हैं, तो उन्होंने कहा आप ही साहब यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बात पे नौजवान बहुत जरूरी गौर करना, ये है परिवर्तन। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक शादी में गया था और उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, मेरा मन हो रहा है कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, डूब के मर जाऊं। तो उन्होंने कहा भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे गालियां दी गई? उन्होंने कहा हमारे साथ तो रोज होता है, तो हम तो कभी मरते नहीं। तो ये ज्योतिबा फूले ने भी सोचा भाई बात तो सही है, ये इनके साथ भी होता है, ये तो मरते नहीं। तो उनकी एक बात समझ में आई कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सम्मान अपमान को समझता हूं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सम्मान अपमान को नहीं समझते। तो उन्होंने क्या किया उस दिन, वो रोए नहीं, वो मरे नहीं, वो कहीं छिपके नहीं बैठे, उन्होंने ये कहा आज के बाद मैं इन लोगों को पढ़ाने काम करूंगा। उन्होंने अपना दूसरा काम तो छोड़ दिया, और उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ा और फिर सब लोगों को पढ़ाने के निकल गए। और उन्होंने कितने स्कूल खोले, 18 स्कूल अपनी जिंदगी में उन्होंने 18 स्कूल खोले वंचितों शोषितों महिलाओं को पढ़ाने के लिए। ये क्या था, ये एक संकल्प था। जब मुसीबत आती है आदमी हार मान लेता है, कोई अपमान कर दे डर जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, छिप जाता है। तुम्हें खड़ा होकर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो फिर अपमानित महसूस करोगे, इसलिए दूसरे लोगों को परेशान मत करो। तो उन्होंने उस बात से वो डरे नहीं, उन्होंने अपने अंदर एक पीड़ा जो उनके अंदर पैदा हुई उन्होंने उसको हथियार बना लिया, और फिर उन्होंने वो करके दिखाया जो दुनिया कभी सोच नहीं सकती थी कि कमजोर वर्गों के बच्चे भी पढ़ेंगे, महिलाएं भी पढ़ेंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगी। ये बहुत बड़ा योगदान था सोसाइटी में। ऐसा ही संकल्प समय समय पर बहुत सारे लोगों ने लिया, ऐसा ही संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे, लड़े, संविधान देके गए, वोट का अधिकार दिलाया, उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए। आज कोई ऐसा है जिसके बच्चे को बच्चा बीमार और वो किसी और के काम में चला जाए, बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। आज कोई ऐसा है जिसका बच्चा घर में मरा पड़ा और वो किसी और के अधिकारों के लिए चला जाए, है कोई ऐसा आज के समय में? ये था एक संकल्प कि मुझे कुछ करना है। उन्होंने बहुत सारे सपने देखे, मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी थे, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उनको कोई समझाने नहीं गया, पढ़ा किताबों में, पढ़ के महसूस किया कि यार बाबा साहब इतना दर्द रखते थे अपने सीने में, ये कुछ करना चाहते कर नहीं पाए, तो मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगा। फिर निकल पड़े, नौकरी छोड़ दी, साइकिल पे भूखे प्यासे फटे हुए कपड़े पहन के, खाने को नहीं मिला, कोई मतलब नहीं, बस निकल पड़े और एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। हमारे जैसे हजारों लोग लाखों लोग तैयार हुए। अब ये काम अधूरा है, बाबा साहब का जो सपना था समता मूलक समाज बने, कैसा बन समाज जहां जाति के आधार पे ऊंच नीच ना हो, धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सब लोग समान रूप से रहें, भाईचारा हो, सबको खाने पीने के लिए कोई परेशानी ना हो, सबके घरों पे सुख सुविधाएं हो, एक ऐसा समाज बने जो समाज तरक्की करे,
वो पूरा नहीं हुआ। भाईचारे वाला समाज एक उसी सपने को माने और काशीधाम से लंबे समय तक बढ़ा। और जब हम धार्मिक तौर पर पढ़ते हैं तो यहाँ बड़े पैमाने पर सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग होंगे। सदगुरु जी रविदास जी ने भी कहा हमें बेगमपुरा राज लाना है। कौन सा राज? बेगमपुरा को समझ लो क्या होता है। बेगमपुरा, बेगम का मतलब होता है जहां कोई गम ना, बेगम। उन्होंने कहा ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे परस। कि ऐसा राज आना चाहिए जिसमें कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना। सारे पीर पैगंबर महापुरुषों ने, गुरुओं संतों ने ऐसे राज की कल्पना की, लेकिन आएगा कैसे भाई? जब राजतंत्र था तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती, तोप चलती थी, हत्या होती थी, हजारों हजारों भूमि रक्त रंजित हो जाती, तब जाके राज बदलता था। फिर बाबा साहब अंबेडकर उनके साथियों के प्रयास से हमें वोट का अधिकार मिल गया। हम चाहे हजारों साल की गुलामी एक दिन में खत्म कर दें। आज आपके चेहरों पर उदासी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सरकारी स्कूल खत्म कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तमाम तरह की मुसीबतें, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपका बिल अगर 500 रुपए का आप बिल ना दो तो आपका कनेक्शन कट जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा, तमाम तरह की परेशानी आपकी जिंदगी में। ये सारी समस्या एक दिन में खत्म हो सकती है अगर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। जबकि ये भी याद रखो कोई अकेला एक जाति एक धर्म के लोग राज व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राज व्यवस्था पे कायम नहीं हो सकते। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया। कैसा समाज? बहुजन समाज। बहुजन का मतलब जो शोषित है, जो वंचित है, जो अपमानित है, जिसको पीड़ा है, वो सब भाई भाई, मजलूम, मजबूर, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, सब परिवार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये सब एक परिवार। इनको मिलके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, स्वाभिमान के जीवन के लिए एक एकजुट होकर अपनी ताकत बनानी होगी। आज उनका सपना अधूरा है, कोई पूरा नहीं करना चाहता। हम उनकी पढ़ी लिखी संतान है, हमने जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करके समतामूलक समाज बनाएंगे। मैं बार बार पूरे देश में घूमता रहता हूँ, सब जगह जाता हूँ, जो भी अन्याय होता है सबके खिलाफ लड़ता हूँ। हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, कहीं भी कोई मामला हो, पूरे देश दुनिया में मैं जाता हूँ जहां तक जा सकता हूँ। लेकिन अभी करने को बहुत कुछ है। आपके यहाँ जो गरीबी है मैं लिख के देता हूँ, जिस दिन राज व्यवस्था बदलेगी, जितनी ताकत, जिस दिन ताकत हमारे हाथ में आएगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार नहीं रहेगा, किसी का कच्चा मकान नहीं होगा। आज तो देखो ये जो आपने बना के खड़ा किया, इसके लिए आपने बहुत लंबा समय दिया। इसलिए मैं आपसे बस ये आग्रह करने के लिए आया, ये लोकतंत्र है। आप मुझे लाखों रुपए दे दो, इससे कुछ नहीं होगा। आप मुझे 100 किलो घी खिला दो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप मुझे वोट देके ताकतवर नहीं बनाओगे, मैं आपकी वो मदद नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता। आप कहते हैं न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही। पुलिस नहीं, दरोगा नहीं, एसपी नहीं, डीजीपी भी अच्छा काम करेगा। 24 घंटे जनता की सेवा करेगा, कब? जब सेवा कराने वाला व्यक्ति कुर्सी पे बैठा होगा। आपने यहां 3 बार चुनाव हो गया नगीना में। पहली बार आपने यशवीर सिंह जी को बनाया एमपी। वो इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनको यही नहीं पता था कि अपने लोगों के अधिकारों को उन्होंने हनन कर दिया और प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल जो है फाड़ दिया। उनको यह भी नहीं पता था कि अपने आने वाली पीढ़ियों को कुचलने का काम कर रहे हो। आपने दूसरा एमपी, आपने तो नहीं दिया होगा लेकिन लोगों के अपने सहयोग से यशवंत सिंह बीजेपी के बने, उन्होंने आपके लिए क्या किया बेहतर जानते होंगे। तीसरे एमपी भाई आपने गठबंधन के बनाए, बने ना। चुनाव के बाद आया आपकी बस्ती में पूछने के लिए आपके ख्याल, आपकी की कोई मदद, कभी आपका साथ दिया हो, कभी आपके आवाज उठाई हो? क्या इस क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या, बताओ? क्या इस क्षेत्र में फैक्ट्री लग के, मैं नहीं जानता कि बिजनौर का व्यक्ति कहां कहां जाता काम करने के लिए। आप देहरादून जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। आप महाराष्ट्र जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। आप दिल्ली जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। आप पंजाब जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे। तो अगर यहाँ इंडस्ट्री लग जाए और 10-20-50 हजार नौजवानों को रोजगार मिल जाए, क्या बुराई है? लेकिन कोई सपना हो किसी के पास, यहाँ बढ़िया स्कूल मिल जाए। मैंने देखा अभी बहने पैदल पैदल आ रही है, पैदल पैदल आ रही है। अगर यही नजदीक पे किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक बढ़िया इंटर कॉलेज बन जाए, डिग्री कॉलेज बन जाए, गांव में स्कूल बन जाए, तो क्या बुराई है? गरीबों को, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल जाए, क्या बुराई है? अगर अच्छे हॉस्पिटल बन जाए, जो कि देखो जनता का पैसा अगर जनता पे लग जाए, क्या बुराई है? लेकिन आप अनपढ़, नालायक,
निकम्मे नेताओं को चुनते हो और फिर कहते हो कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनको क्या फर्क पड़ती है, वो मजबूत ताकतवर लोग है, पैसे वाले लोग है, उनको गरीबों से क्या मतलब है। अगर उनको गरीबों से मतलब होता, अगर अमीर गरीबों के देसी होते तो कोई गरीब नहीं होता यहाँ, ठीक है। वो मतलब के दोस्त होते हैं, उनके मतलब के रिश्ते होते हैं। गरीबों को अगर अपनी जिंदगी संवारनी है तो अपने पक्ष में फैसले लेने पड़ेंगे, और जब तक आप अपने बीच के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाओगे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपने तीन तीन बार मौका दिया नहीं दिया बताओ, उन्होंने आपकी कोई मदद की, तो फिर आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो क्या, उनके भरोसे अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो क्या। आज निर्दोष लोगों को मुकदमे लगा के जेल में ठूसा जाता, कोई जाता क्या लड़ाई लड़ने के लिए। आप छोड़ो, अभी मैंने दिया था धरना डीएम ऑफिस में जाके, जब यहाँ गुलदार ने 24 लोगों की जान ले ली, और फिर भी पिछले चार दिनों में चार लोगों की जान चली, किसी को फर्क पड़ रहा है क्या, नेता को, किसी अधिकारी को फर्क पड़ रहा है क्या। उन्हें तुम्हारे जिंदा रहते फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तुम्हारे मरने पे फर्क नहीं पड़ता, तुम काहे को परेशान हो रहे हो यार। जो तुम तुम्हारी जिंदगी मौत से भी रिश्ता नहीं रखते, तुम उनको काहे को अपना मान रहे हो। इस देश में गवाही है, लोग तो वोट लेके कहते हैं कि मैं आपके काम करूंगा। मैंने आज तक पिछले 10 साल में एक एक दिन देश में कहीं ना कहीं काम किया, चाहे मैं मुझे जेलें काटनी पड़ी हो। एनआरसी का मामला कोई खुश नहीं रहा था, जितने लोग एनआरसी सीए के बारे में जानते हो, आपने भी आंदोलन किया, गोलियां चली, मैं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ, 1 महीने जेल रहा, उसके बाद फिर पूरे देश में गया, सारी जगह जाके साइन बाग बना के सरकार को चैलेंज किया कि ये गलत काम तुमको नहीं करने देंगे। चाहे तबलीगी जमात का मामला, जब मरकज पे जो है इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगा दिए, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे किसी और का परवेज का मामला हो, हर मामले में लड़ा, चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो, चाहे 13 पॉइंट का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 का मामला हो, जब SC ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया गया, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे अध्यापकों की लड़ाई हो, चाहे रोस्टर का मामला हो, प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला हो, आपके लिए कहीं आपके ऊपर अन्याय हुआ, हमेशा मैं खड़ा हुआ। मैं किसी रानी का बेटा नहीं हूं, किसी बहुत बड़े नेता अभिनेता का बेटा नहीं, मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, और मेहनत करके यहां तक आया। मैंने जो प्यार कमाया, आप जो अपने काम छोड़ खड़े हो, आप जानते हो कि ये आदमी आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है, पिछले खड़े हो। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, यहां दलित समाज के जो लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। आप मेरे साथ, मेरा साथ दोगे नहीं दोगे, मैं बताओ पहले, अब हाथ नीचे करो। या पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम समाज के लोग भी होंगे, आप ही बताओ, जब ये मेरे साथ हैं तो आप किसी और को वोट दोगे या मुझे दोगे, बताओ। अगर आप, आपको नहीं पता, लोग चाहे कुछ भी कहें, आप अपने क्षेत्र में पता करा लो। हर आदमी ये जानता है कि चंद्रशेखर आजाद मर तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं भाजपा के सामने, हर आदमी इस बात को जानता है। और हर आदमी इस बात को भी जानता है कि अगर वो व्यक्ति खड़ा हो गया तो किसी गरीब की तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा, ये भी हर आदमी इस बात को जानता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें उससे क्या मतलब, वो तो गरीब का बेटा है। तो ये बताओ, क्या गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब के बेटे आगे नहीं बढ़ सकते? क्या गरीबों के सपने नहीं है? अगर अच्छा स्कूल कॉलेज खुलेगा तो तुम्हें फायदा होगा नहीं होगा बताओ? अगर अच्छी पढ़ाई होगी और जायज दामों में होगी, जो पैसा तुम पे कर सको, तो तुम्हारे घर से जो कर्ज लिया जाता है बंद होगा नहीं होगा बताओ? अगर सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए, तो फिर इस लड़ाई मेरा साथ दो। बताओ कौन कौन लोग मदद करेंगे, हाथ खड़ा करो। जो दोनों हाथ खड़े करेगा उसकी बात मानी जाएगी, जो एक हाथ खड़ा करेगा उसको नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा नीचे कर लो, एक बार हाथ नीचे करो। ऊपर वाली जो बहने माए बैठी है वहां, माए तो कम है, बहने ज्यादा है, एक आधी माँ होगी। हाथ खड़ा करके बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? ईमान तो रुको, ऐसा नहीं, अब नहीं मानेंगे, रुको, पहले भी कोई हाथ खड़ा करेगा, पहले बात सुनेगा तब बताओ। अपने भाई की मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ जो हमारे साथ है। कल कोई पैसे वाला आके कहने लगा मेरे पास पैसा है, उसको छोड़ो गरीब को, तो भूल तो नहीं जाओगे बताओ? पक्का सुनो, ये बंद कर दूंगा जो पैदल धक्के खाने पड़ते ना वहां तक, अगर ना बंद कर दे तो चंद्रशेखर आजाद नाम नहीं, याद रखना मेरी बात को। सुनो, इस देश में अमीर ही नहीं जिएंगे, इस देश में गरीब भी जिएंगे। देखो मैं देश में घूमता हूँ, मैं दिल्ली में घूमता हूँ, मेरा एक साथी मान नहीं रहा था, वो मुंबई से आया, मैं उसको दिखा, मैं बाजार दिल्ली में था, मैंने उसे कहा देखो गरीबों में अमीरों में क्या फर्क, मैं इस बात को हर जगह कहता हूँ, सच है। जैसे ही मैंने बात कही, एक गाड़ी बराबर से गुजरी, उसमें से एक कुत्ता जो है ऐसे मुंह बाहर निकाल रखा था। मैंने कहा गाड़ी आगे करो, कह रहा क्या बात है, मैंने दिखाऊंगा गरीब अमीर में क्या फर्क। मैंने कहा देखो ये अमीर का कुत्ता है, ये गाड़ी में घूम रहा है, और मैं लिख के देता हूँ कि इस देश के 90% लोगों पे
चार पहियों की गाड़ी नहीं है, आप जाके देख लो। ये फर्क है अमीरों में और गरीबों में। हम सूखी रोटी खा के अपना टाइम काटते हैं, उनके कुत्ते घी की रोटी खाते हैं। उनके लिए बढ़िया ब्रेड आता है और दूध आता है, वो टोन मिल्क, जिससे उनके पेट खराब ना हो जाए। हम लोग रूखी सूखी खा के अपना पेट पालते, ये सच्चाई है इस देश की। और कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। मेरी छोड़ दो आप, कोई आप भूखे पेट अगर घर में सोते कोई पूछने आता क्या? किसने पूछा कि तेरे बच्चा बीमार है, तुझे इलाज की जरूरत है क्या? बताओ, अस्पतालों में घुस नहीं सकते आप, बड़े बड़े अस्पतालों में। ये किसके लिए है? ये सरकार किसकी है? किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना रोजगार मिल रहा है, माओ को मजबूरी में घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। ये देश है क्या? लूट लिया सारे गद्दारों ने मिलकर और आज भी लूट रहे हैं और फिर वही। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, इनके चक्कर में मत पड़ो, इनका कुछ नहीं जाता, ये भाग भूग जाएंगे पैसे वाले सब लोग देश छोड़ के। ये लड़ाई तो आपके चंद्रशेखर आजाद को लड़नी है यहाँ जमीन पे खड़े होके, और कीमत चुकानी पड़ती है। सर मैं आपका खून हूं, जब मेरे ऊपर गोली चली मेरा खून बहा, आपको तकलीफ हुई है नहीं हुई बताओ? मेरा क्या अपराध था? मेरे ऊपर गोली क्यों चली? क्या मैंने किसी की जमीन दबा ली है? मैं बताता हूं मेरे ऊपर गोली क्यों चली, क्योंकि ना तो मैं ईडी से डरता, ना मैं सीबीआई से डरता, ना मैं एनआईए से डरता, ना मैं झूठे मुकदमे में डरता, ना मैं जेल से डरता। मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि जो इस देश में डरेगा उसकी हिम्मत नहीं, वो भूल जाए। मेरा गला भी साफ है और मैंने किसी का कोई बुरा भी नहीं किया। मेरे ऊपर गोली इसलिए चलती है क्योंकि मुझे दबाया नहीं जा सकता। मैं जानता हूं इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी उसके हाथ में, जिसने जिस कुदरत ने जिस खुदा ने पैदा किया, समझ रहे हो, उस सतगुरु जी के हाथ में। मैं नहीं डरता मौत से, मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन तब तक जिंदगी है पूरी ताकत से लड़ूंगा, पूरी हिम्मत से लड़ूंगा। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मेरे साथ साथ जिला पंचायत यहाँ जिता के भेजे, आज भी मेरे चार जिला पंचायत छोटे भाई मेरे साथ ही घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनके जिला पंचायत अध्यक्ष उनको काम नहीं दे रहे हो, मुझसे बार बार कहते हैं भैया काम ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन रुक जाओ, चार महीने बाद आप इतने ताकतवर हो जाओगे, आप इतनी निधि होगी कि अपने क्षेत्रों में काम करवाना, घबराना मत। और जिस दिन कलम की ताकत हमारे हाथ में होगी, जिस दिन आपका आदमी खड़े होकर उसमें बोलेगा पार्लियामेंट में, उस दिन आप सुनना कि आपके क्षेत्रों के लिए वो क्या क्या मांग करता है। अभी तो आपने ऐसे लोगों को भेज दिया जिनके गले सिले हुए हैं। इसलिए आपसे अपील करूंगा, हमारा चुनाव निशान पता आपको क्या है? जोर लगा के बताओ तो पता लगेगा। चुप हो जाओ, आप बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? हाँ, ऐसे कैसे वोट आएगी, यही तो समस्या हो रही है। क्या है हमारा चुनाव निशान? आवाज नहीं आई, तेज बोलो, अगर हमारी बहनें कमजोर होगी तो निबट जाएगा सारा खेल आज ही। केतली, हाँ ठीक, केतली याद रहेगी नहीं याद रहेगी? केतली जब देखोगी तो कौन दिखाई देगा? आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। वो केतली नहीं है, वो अलादीन का चिराग है। टीवी देखा था नहीं देखा था आपने? ऐसा ही होता है अलादीन का चिराग, जब आप उस केतली को जरा सा घिसोगे, उसका बटन दबाओगे तो कौन मजबूत होगा? और जब केतली को आप याद करोगे तो कौन आएगा? और वो क्या कहता है केतली में से निकलने वाला, क्या हुकुम मेरे? तो लोकतंत्र में आप ही मालिक हो, आप ही आका हो, समझ रहे हो? अभी तो लोग आपको गुलाम समझते हैं, चुनाव के समय आप कहते हैं पैसे ले लो, शराब ले लो, साड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। जो अपना अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट नहीं बेचते, वो क्या बेचते हैं आपको पता है? वो महापुरुषों के जीवन संघर्ष को बेचते हैं। काशीराम साहब कहते थे वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा तरह करनी है। आपने अपनी वोट बनवा ली है सब लोगों ने? कितने ऐसे नौजवान जो 18 साल पार हो गए वोट नहीं बने? बना नहीं? अबे तो फिर मैं तो हार जाऊंगा। ये सुनो, यहाँ कौन है? ए भैया विकास, वे इनके वोट बनवा दे भाई, 18 साल की हो गई। डीलर साहब ऐसा मत करो, वोट बनवा। ये तो भाजपा वाले बहुत वोट काट रहे हैं, इनके बनवा दो नए, जिनके जो वोट तैयार हो गए हैं। देखो खूब साजिशें होंगी, खूब आरोप लगेंगे, खूब झूठी खिलाफत होगी, घबराना मत। बस मेरा एक वचन याद रख लो, मैं जब तक हूं, शाम हो रही है, दिन डल रहा है, एक ऐसा समय है जो जिसकी बहुत मान्यता है, मैं बहुत जिम्मेदार रखा, जब तक मैं जीवित हूं, मैंने भले जन्म वहां लिया हो, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है,
जब तक जीवित हूँ खून का कतरा कतरा भी आपके सम्मान के लिए लगा दूंगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और बात